इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह पद्म पुराण के उत्तर खंड से ली गई है। इस खंड में शिव जी देवर्षि नारद जी को भक्ति और ज्ञान की बातें बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं, गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा और सुना है उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु या श्री कृष्ण का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्ष स्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए, वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। जहाँ गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है, यह भगवान श्री विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन मौजूद रहता है वहाँ कभी शोक मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती है। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए, यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वह अंत काल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। मैं क्या बताऊं, गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। राधा कृष्ण जी की जय हो।